हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप करता हूं अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र। तो राइट, आपने सही सुना, हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र। और शुरुआत किसकी हो चुकी है? ट्रिप दिल्ली टू ले। राइट, बिल्कुल सही सुना, ले हम जा रहे हैं ले। और हमारा है डे वन, और डे वन में ही हमारे साथ हो गया मतलब अच्छे वाला जो केस होता है ना, वो वाला। वो क्यों देख सकते हैं आप, मॉर्निंग में हम 3 बजे निकले थे, और 3 बजे निकलने के बाद कंटिन्यू 1 घंटे चलने के बाद हमारे को मिला है ये मौसम। बरसात इतनी ज़्यादा है कि बाइक चलाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब बाइक चलाने में एक लास्ट मतलब 30 और 40 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा स्पीड जो डाउन हो चुकी है, और विजिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ट्रिप जो है एडवेंचर आज से ही स्टार्ट हो चुका है, और एडवेंचर को कंटिन्यू करेंगे। और रात को वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि नाइट का टाइम था, तो कुछ विजिबिलिटी नहीं होती। और दिखे आज रोका चाय पीने के लिए, तो देखिए नज़ारे, देखिए ये वाले। तो गाइस, अभी काफ़ी टाइम चलने के बाद हम मतलब लगभग जब वहाँ से रिकॉर्ड करा था उस टाइम पे हो रहा था 7:30, और अब हो चुके हैं 8:30, और हम पहुँचने वाले हैं अम्बाला कैंट बहुत जल्दी। तो जिसे देख सकते हैं, और बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, मतलब अब थोड़ी कम हुई है। तो हमने कैमरा अपना ऑन करा है, और साइड में देख सकते हैं कुछ ऐसे, तो यहाँ से बोर्ड दिख रहा होगा, देखो आपको अम्बाला कैंट, चंडीगढ़ एंड लुधियाना, तो इस तरीके से है कुछ। और हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं अम्बाला कैंट। तो भाई देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट। तो ये देखिए कितना मतलब शानदार बना हुआ है, बहुत ही शानदार बनाया हुआ है ये देख सकते हैं आप, इधर शंख है और ये चीज सारी बहुत ही शानदार बनाई हुई है गेट पे। और इधर चंडीगढ़, शिमला, पटियाला और लुधियाना। चंडीगढ़ वाले रास्ते पे चल रहे हैं, तो थोड़ी दूर चलते ही जो है मतलब वेदर थोड़ा सा अच्छा हुआ था, बट उसके बाद दोबारा आगे बारिश होने लग गई है। देख सकते हैं कि आप इधर बारिश दोबारा स्टार्ट होने लग गई है, मतलब आज लग रहा है कि पूरा दिन बारिश में ही जाने वाला है, और पूरे दिन ट्रैवल लग रहा है कि बारिश में ही होगा। तो देख सकते हैं यार कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है मतलब कहीं पर भी जाने के लिए, वेदर चाहे वो धूप हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो सर्दी हो, जब जाना है तो मीन्स जाना है। तो आज का टारगेट देखते हैं कहां पर पहुंचते हैं, अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, कुल्लू से जाएंगे या जम्मू से जाएंगे, बट जैसा भी आगे डिसाइड होगा कि हम कहां से जाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करके आपको बताऊंगा कि हम कहां स्टे करने वाले हैं आज का दिन। और आगे की जर्नी हमारी आप देख ही सकते हैं, बारिश के साथ ही होने वाली है, तो लग रहा है कि पूरा दिन भर ऐसे ही जाने वाला है पूरा। और अब जो है बारिश थोड़ी सी लग रहा है कि थोड़ी तेज हो गई है, जो है बूंदे काफी स्पीड से हेलमेट पर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा तेज हो गई है बारिश है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मतलब वेदर क्लीन भी हो गया, और मतलब अब जो है राइडिंग करने में बहुत ही मजा आ रहा है, सही बता रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो स्लश है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा रोड पे, और पानी नहीं, बारिश नहीं हो रही तो स्लश भी नहीं होगा, तो इस वजह से देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जो है ना बाइक चलाने में, राइडिंग करने में बेसिकली मजा बहुत आ रहा है। तो देख सकते हैं आप कितना ही मतलब बढ़िया लग रहा है, और नजारे हैं ये रोड के कुछ आसपास के, तो जिसे आप देख सकते हैं मतलब ये देखिए जो है आसपास अभी कुछ हिल्स नहीं स्टार्ट हुए, और ये देख सकते हैं मीटर में तो हमने जो कवर कर लिया है मॉर्निंग से 227 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और 10 किलोमीटर एक थे जो मैंने ट्रिप जीरो करी थी, तो देख सकते हैं हमने 240 किलोमीटर अराउंड हम कवर कर चुके हैं, और जो कि पूरे करा है हमने लगभग 7 आवर्स में, मतलब 3 बजे हमने स्टार्ट करा था, और अब जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है
9:40। तो 9:40 के अकॉर्डिंग हमने जो मतलब जो अपना रूट है बहुत अच्छे से हम कवर करके चल रहे हैं। जो आज हमारा जो टारगेट है, हम कटरा या कटरा से आगे निकलने की मतलब आगे जाने की कोशिश करेंगे। जितना जितने निकल जाए उतना ही बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें फिर आगे जो है बाइक उसी हिसाब से ड्राइव करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप, तो गाइस देख सकते हैं कितने शानदार गुरुद्वारा बना है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है गुरुद्वारे का जो लुक, मतलब बहुत ही जिसे बोलते हैं ना सुंदर, वो वाला नज़ारा था देखते हुए वहाँ था। और हम थोड़े से लेट हो गए कैप्चर करने में, क्योंकि जब दिखा मैंने तभी कैमरा ऑन करा, तो थोड़े से जल्दी निकल गए थे। मगर मतलब ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही सुंदर लगती हैं, और अंदर जाने के बाद और भी मतलब अंदर से जो होता है वो मन बहुत ही शांत और अच्छा लगता है उसे अंदर जाकर। तो दोस्तों देखिए, हम लुधियाना यहाँ से रह गया 40 किलोमीटर, पगवाड़ा 78, करतारपुर 144, अटारी 209 किलोमीटर। तो हम इस रोड पे बस चलते ही जा रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। सही होता तो इतनी लंबी राइड हमने पहले शिमला तक करी है और नैनीताल तक करी है, बट आज जो मौका है हमारे पास लद्दाख जो जा रहे हैं, मतलब बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाली है ये अपनी, सबसे जो है बड़े रोड ट्रिप जिसे कहते हैं अपना, वही है अपना रोड ट्रिप सबसे लंबा यही है अभी तक लेह लद्दाख। हर बाइकर का सपना होता है लेह लद्दाख जाना, तो अपना भी वही सपना था। और हम लोगों ने भी काफ़ी वेट करा जाना है, मतलब काफ़ी चीज़ें हुई जाना है नहीं जाना, फिर फाइनली एक डिसीजन हुआ कि जाना है तो मीन्स जाना है, तो वही चीज़ को हम फॉलो करते हुए अब जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन को लेह लद्दाख। लेह लद्दाख आज नहीं पहुंचेंगे, अभी तो यहाँ से कम से कम 2 या 3 दिन और लगेंगे, आज के अलावा हम पहुँच पाएंगे 22, आज है 18 और हम पहुँच पाएंगे 22 तक लेह लद्दाख। और देख सकते हैं ये बहुत ही मतलब रोड जो है बहुत ही सही है, स्पीड आप मेंटेन करके रखे तो 70-80 नॉर्मली है, यहाँ पे आप चला के कंटिन्यू रख सकते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लुधियाना के पास, और यहाँ से लुधियाना सा थोड़ा सा दूर है, और हमने करवाया यहाँ पे तीनों की तीनों बाइकों में फ्यूल अप। और जिन भाई की बात कर रहा था वो है ये, और ये है भाई, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है राजेश शर्मा, त्रिपुरा से, कांतदेव। और ये आए हैं त्रिपुरा से, वो भी डोमिनार पे अपनी, ये 250 cc, ऐसे आप देख सकते हैं, तो ये 250 cc डोमिनार। तो वहाँ से यहाँ तक की राइड कैसी रही है? बहुत अच्छी। तो मतलब एक्सपीरियंस, हाँ, दिल्ली की गर्मी कैसी लगी? दिल्ली की गर्मी तो बहुत ज़्यादा है उस मुकाबले हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ का एक जो है टाइमिंग है, मतलब यहाँ पे 47 तक क्रॉस हो जाता है, और वहाँ पे 32-30 रहता है हार्डली, हाँ, तो वहाँ के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस आता है, हाँ। और ये एक आसमान का फर्क है, ये देखिए, ये नींद आ रही थी इसके लिए पावर बूस्टर लिया था, पावर बूस्टर लिया है, स्किन लिए थोड़ी सी अभी नींद मांगेगी तो फिर ड्राइव, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे आप, हाँ बिल्कुल। तो हमने पावर बूस्टर लिया है बस, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाले, ताकि नींद ना आए और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें, बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो और भी अच्छा होगा। और अपने दिखाता हूँ मैं बाइक को, बाइक का कैसा है लुक। और तो गाइस देख सकते हैं ये अपनी बाइक का लुक है कुछ ऐसा, जो देखते हैं ऐसा कुछ लगती है बाइक अपनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप शिव जी की कितनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, तो देख सकते हैं ये बहुत ही मतलब सुंदर लग रहे हैं, सुंदर लग क्या रहे हैं, सुंदर है, मतलब ये बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं कितनी बहुत हाइट पे बने हुए हैं, काफी हाइट है, तो देख सकते हैं ये शिव जी की जो मूर्ति बना रखी है काफी हाइट पे बना रखी है।
तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पे पंजाब के चेकिंग ये है, हम पहुंच चुके हैं जलंधर। यहाँ से रहता है अमृतसर 127 और जलंधर 43। मतलब रूट डाइवर्जन कर रखा था जिस वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। अब पीछे से जो है कैंट से होते हुए हम यहाँ से साइड से निकल सकते हैं, तो इजीली हम ऊपर भी जा सकते हैं। देखते हैं ऊपर जा पाते हैं या नहीं, बट ट्राई करेंगे कि ऊपर से जाने दिया जाए, क्योंकि तो जो है बस ये प्रोटेक्शन किसी चीज का नहीं है। तो भाई ये देख सकते हैं ये प्रोटेक्शन वालों ने कर रखी है। यहाँ पर सारी की सारी जो ट्रेन है वो बंद है, ये सारी की सारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई है। देख सकते हैं आप यहाँ मेरे राइट हैंड साइड पे एक दो नहीं बहुत सारी ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पर, तो प्रोटेक्शन चल रहा है मेन रोड पे। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस वालों ने रोक रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी जगह पुलिस वाले लगे हुए हैं। कोई अभी तक मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स हम मेन हाईवे छोड़ के आ चुके हैं इन छोटे रास्तों पे, क्योंकि यहाँ से ही जा रहा है अंबाला के लिए रास्ता, और दूसरी गाड़ियां भी आ रही हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ से जो है मेन हाईवे पे निकल जाएंगे, तो वहाँ जलंधर से आगे निकल जाएंगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा। तो जैसे कि होता है, तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं टांडा। टांडा से जो है अपना पठानकोट रह जाता है 71 किलोमीटर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सनसेट कितना प्यारा, और नीचे जस्ट फ्लाईओवर के नीचे देख सकते हैं ये जा रही है नदी, जो लग रही है कितनी प्यारी, और ये बहुत ही मतलब शानदार है और बहुत तेज हवा चल रही है। और ये हमारी देख सकते हैं ये बाइक जो है अपनी हो चुकी है, वो है पूरी लोडेड। तो देख सकते हैं ये अपनी बाइक है जो लोडेड है पूरी। और ये देख सकते हैं ये है एक ट्रैक, रेलवे ट्रैक है ये, जिसे देख पा रहे होंगे आप। इधर से जाती है ट्रेन, जस्ट अभी गई थी थोड़ी देर पहले। तो इधर देखिए ये जो व्यू है ये बहुत ही मतलब बहुत प्यारा सा व्यू लग रहा है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बहुत ही मतलब शानदार जिसे बोलते हैं वो लग रहा है। और इसके पीछे देखेंगे ये क्लाउड और भी जो इस चीज़ में चांद लगा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत प्यारा लग रहा है व्यू। तो देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार व्यू है ये, देखिए आई थिंक ये देखिए रेनबो बन रहा है। तो ये देखिए ये है रेनबो, ये बन रहा है रेनबो, देख पा रहे होंगे छोटा सा रेनबो है। तो ये देख सकते हैं आप रेनबो बन रहा है यहाँ पर। तो अब जो है टाइम हुआ है 6:15 में पूरा के पूरा वेदर हो गया चेंज। देख सकते हैं कितना मतलब जबरदस्त वाला खतरनाक वाला वेदर हो गया है। तो पूरे के पूरे क्लाउड जो है वो ऊपर आ चुके हैं और बिल्कुल जो है ब्लैक जिसे बोलते हैं काला काला जो है पूरा अंधेरा हो गया है। अब ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में कि 10-15 में इधर नाइट हो जाएगी, और देख के तो यही लग रहा है कि आज बारिश थोड़ी बहुत देर में शायद स्टार्ट हो सकती है। तो देख सकते हैं पूरे के पूरे थोड़ी बहुत देर में आई थिंक बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हमें भी अपने जो है रेनकोट पहनने पड़ेंगे, और रेनकोट पहनने के बाद फिर भाई थोड़ा सा स्लश हो जाएगा रोड पे, स्लश हो जाएगा तो थोड़ा सा स्पीड जो है ऑलरेडी डाउन हो जाएगी डाउन। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पर, और रूम पे पहुंचने के बाद इतना ही कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।